ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है, जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको इस 30 मिनट में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज बच्चे कहानी सुनेंगे, कहानी के बाद एक गीत और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र शास्त्र यानी बाइबल से परमेश्वर का वचन होगा। तो श्रोताओं, आइए बच्चों की कहानी सुनने से पहले इस गीत को सुनते हैं। यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे खोलता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे खोलता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है। बड़े बड़े न पीछे हटे, खुदा उनका रूप परमाता है, बड़े बड़े न पीछे हटे, खुदा उनका रूप परमाता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, बात लहू दिलाता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है, खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है, खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा, रूह से भरना चाहता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है। हम पीछे चले मसीह के सदा, चाहे हो आंधी या तूफान, हम पीछे चले मसीह के सदा, चाहे हो आंधी या तूफान, यीशु यीशु हमारा यीशु, यीशु यीशु हमारा यीशु, हमको चंगाई देता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे खोलता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है, लहू लहू
यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता। प्यारे बच्चों, आज मैं जो कहानी आपको बताने जा रही हूँ इसका शीर्षक है संघर्ष की राह। बालक ईश्वर चंद्र के पिता को 3 रुपए मासिक वेतन मिलता था। परिवार का खर्च चलाना मुश्किल था। ईश्वर चंद्र ने अपने पिता की विवशता को देखकर अपनी पढ़ाई के लिए रास्ता खुद ही निकाल लिया। उसने गांव के उन लड़कों को अपना मित्र बनाया जो पढ़ने जाते थे। उनकी पुस्तकों के सहारे उसने अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक दिन कोयले से जमीन पर लिखकर उसने अपने पिता को दिखाया। पिता ने ईश्वर चंद की विद्या के प्रति लगन देखकर तंगी का जीवन जीते हुए भी उसे गांव की पाठशाला में भर्ती करा दिया। स्कूल की सभी परीक्षाओं में ईश्वर चंद ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। आगे की पढ़ाई के लिए फिर आर्थिक तंगी आड़े आ रही थी। ईश्वर चंद ने फिर स्वयं अपनी राह बनाई और आगे पढ़ने के लिए माता पिता से केवल आशीर्वाद भर मांगा। उसने कहा, आप मुझे किसी विद्यालय में भर्ती करा दे, फिर मैं आपसे किसी प्रकार का खर्च नहीं मांगूंगा। ईश्वर चंद का कोलकाता के एक संस्कृत विद्यालय में दाखिला करा दिया गया। विद्यालय में ईश्वर चंद ने अपनी लगन और प्रतिभा से शिक्षकों को प्रसन्न कर लिया। उसकी फीस माफ हो गई। ईश्वर चंद के मित्रों ने किताबें उपलब्ध करा दी। फिर उसे अपना खर्च पूरा करने के लिए मजदूरी शुरू कर दी। ऐसी स्थिति में भी उसने इतना परिश्रम किया कि 19 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते वह व्याकरण, साहित्य, स्मृति तथा वेद शास्त्र में निपुण हो गया। जिसके लिए पढ़ना ही कठिन था वह एक बड़ा विद्वान बन गया। आगे चलकर यही बालक ईश्वर चंद विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो प्यारे बच्चों, संघर्ष के कभी मत घबराना, बल्कि संघर्ष की राह पर चलकर आगे बढ़ते जाना। परमेश्वर हमेशा आपके साथ हो। मुझे पत्र लिखकर जरूर बताना, मैं इंतजार करती रहूंगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं या फिर स्वास्थ्य विषय पर पत्राचार द्वारा अध्ययन करना चाहते हो तो हमें इस पते पर लिखें, वॉइस ऑफ प्रोफेसी 11 हेली रोड, नई दिल्ली 110001, इंडिया। श्रोताओं, इससे पहले कि हम परमेश्वर का वचन सुने, आइए ये गीत सुनते हैं। सदा खुदाबंद की महिमा करेंगे हम। नाचेंगे हम, गाएंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे हम। दिल से सदा खुदाबंद की महिमा करेंगे हम। नाचेंगे हम, गाएंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे हम। दिल से सदा नाचेंगे हम, गाएंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे हम। दिल से सदा खुदावंद की महिमा करेंगे हम।
होती आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है, दूती आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हम पे करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हम पे करता है प्यार, हालेलुया 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 हालेलुया, प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है, प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हम पे करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हम पे करता है प्यार, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, उद्धार का है मार्ग यीशु हालेलुया, उद्धार का है मार्ग यीशु हालेलुया, उस स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया, उस स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया, वो चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, वो चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, वो जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, वो जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, वो राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, वो राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, वो प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, वो प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, ओ यीशु नाम की जय जय हो, 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 उसके मार खाने से मैंने जीवन पाया, यीशु नाम की जय जय हो, उसके मार खाने से मैंने जीवन पाया, यीशु नाम की जय जय हो, उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता, उठता तूफान लहर बटी दिल से मैं जब गाता, हालेलुया आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता, उठता तूफान लहर बटी दिल से मैं जब गाता, होशाना होशाना खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी
खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम सब मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य 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 हो प्रभु का नाम अति महान, प्रभु का नाम धन्य 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 हो, प्रभु का नाम धन्य 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 हो, प्रभु का नाम अति महान, प्रभु का नाम है एक ग्रंथ और घर में शरण में बचा, शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा, ये पहाड़ हो जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर मेरी आत्मा के द्वारा। बजाओ और धन्यवाद करो, हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, हाथों को मिलाओ और धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु इच्छा यही है। दुख में धन्यवाद करो, दुख में धन्यवाद करो, अमीरी में गरीबी में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। ओ नहीं कभी नहीं यीशु को
बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु के इच्छा यही है। हर एक परिस्थिति में धन्यवाद करो, हर एक परिस्थिति में धन्यवाद करो, हर एक परिस्थिति में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु के इच्छा यही है। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से तारे उबारे गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से तारे उबारे गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ओ अपने रूप से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दे, ताकि तू मैं गवाए तेरे जी उठेगी। अपने रूप से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दे, ताकि तू मैं गवाए तेरे। प्रिय रेडियो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्रों, जीवन में परमेश्वर को सब कुछ बनाने का अर्थ है कि परमेश्वर को अपना सर्वस्व समर्पित करना और जीवन के सब क्षेत्रों पर परमेश्वर को प्रभुता देना। इसके संबंध में संत पौलुस अपना अनुभव इन शब्दों में लिखते हैं, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। एक और स्थान पर वे कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर को अपने जीवन का सब कुछ बनाना ही सच्ची शिष्टता है। इसलिए कि परमेश्वर हमारा सृजनहार है और उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दाम देकर छुड़ा लिया है, तो अवश्य है कि हम भी अपने आप को संपूर्ण रीति से उसको समर्पित कर दें। अपने जीवन की सब बातों में हम प्रभु यीशु मसीह का मन रखें, उनके शब्दों को अपना बना लें, जिससे कि प्रतिदिन हर निर्णय से पहले हम कह सके, मेरे नहीं परंतु तेरी इच्छा ही पूरा हो। बाइबल में भक्त अय्यूब के विषय में हम पढ़ते हैं कि शैतान ने उसको हर प्रकार से परखा, उसकी धन संपत्ति बाल बच्चे सब जाते रहे, उसकी शारीरिक पीड़ा दी गई, उसकी पत्नी और मित्र भी उसको भला बुरा कहने लगे, तो भी वो अपने विश्वास में नहीं हटा। उसका भरोसा परमेश्वर पर अटूट बना रहा। वो कहता है, चाहे वो मुझे घात करे तो भी मैं उस पर भरोसा रखूंगा। यीशु के एक शिष्य ने जब प्रभु को 3 दिन के बाद कब्र से जीवित उठा लिया गया तो कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। जब जीवन में परमेश्वर सब कुछ है तो मेरे जीवन और परमेश्वर के बीच कोई वस्तु व्यक्ति का स्थान नहीं आना चाहिए। जो परमेश्वर का स्थान ले ले, प्रभु के भक्त सीटी स्टड ने कहा, यदि प्रभु यीशु परमेश्वर है और मेरे लिए मरा तो मेरे लिए कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं जिसे मैं उसे समर्पित ना कर सकूं।
जीवन में मार्गदर्शन। बाइबल कहती है यशायाह 58:8-9-10 में 11 में, तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा, जब तू पुकारेगा यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा वो कहेगा मैं यहां हूं, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। मनुष्य जीवन में निर्णय करना कठिन बात है, लेकिन बाइबल हमसे कहती है कि परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, वो हमसे प्यार करता है कि आप परमेश्वर को अपना जीवन देंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो इस महान समय के लिए, महान दिन के लिए। प्रभु तू हमें जीवन में मार्गदर्शन करा। परमेश्वर तू हमारा जीवन का पालनहार है। हम सर्वस्व अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमें शैतान के अधिकार से बचा और अपने समीप रख। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप हमें इस नंबर पर कभी भी किसी भी समय फोन करवा सकते हैं, बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरी ईमेल आईडी है morrisawr@gmail.com, morrisawr@gmail.com। आपके पत्रों का इंतजार है। परमेश्वर आपको आशीष दे। उम्मीद करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपको कार्यक्रम कैसा लगा अवश्य लिखें। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्टबॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। श्रोताओं, अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इस मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दें।